हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी पीर लासानी हैं, मकबूल बारगाह रहमानी हैं। आप बुरहान मिल्लत हैं, गंज असलत हैं। आप मखज़न सखा हैं, मादन वफ़ा हैं, कान सफ़ा हैं। आप कुतुबुल औलिया में शेखुल अतकिया हैं, कुदवतुल असफिया हैं। अकाबर औलिया में आपका शुमार है। आप हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी के मुरीद और खलीफा हैं। आप कुरैशी असदी हाशमी थे। ये भी कहा जाता है कि आप महियार बिन असफद बिन मतलब बिन असद बिन अब्दुल अज़ा बिन कसा की औलाद से थे। सिलसिले नस्ब ओबासित कुरैशी के जद मादरी हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली करमुल्ला वजह मंतही से आपका सिलसिला मुंसलिक है। आप हाशमी हैं और आपके हाशमी होने में कोई शक को शुबा नहीं। आपके जद अमजद हज़रत मौलाना शेख कमालुद्दीन अली शाह एक दुर्वेश मंश बुज़ुर्ग थे। वो ख़ानदान कुरैश के मौजिज़ फ़र्द थे। वो मक्का से सकूनत तर्क करके ख्वारज़म में रहे, फिर ख्वारज़म से मुल्तान तशरीफ़ लाए और वहाँ मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। मुल्तान ज़माने में इस्लामी उलूम और फ़नून का मरकज़ था। मुल्तान में बहुत लोग उनके मौतकिद थे। आपके वालिद माजिद का नाम शेख वजीउद्दीन था। आपकी वालदा माजिदा का नाम बीबी फ़ातिमा है, जो मौलाना हस्सामुद्दीन तर्मिज़ी की दख्तर थीं। जब तातारियों की लूट मार शुरू हुई और बदमनी फैली तो मौलाना हस्सामुद्दीन अपने वतन तर्मस से किला कोट करोड़, जिसको सुल्तान महमूद गज़नवी ने फतह किया था, तशरीफ़ लाए और वहीं रहने लगे। ये भी कहा जाता है कि आपकी वालदा बीबी फ़ातिमा के वालिद का नाम हज़रत ईसा है, जो हज़रत गौसुल आज़म हज़रत शेख जिलानी की औलाद में थे। वो हामा रहते थे। जब आपके वालिद माजिद शेख वजीउद्दीन हामा गए तो हज़रत ईसा ने अपनी लड़की बीबी फ़ातिमा की शादी उनसे कर दी। वो कुछ दिन हामा में रहे और फिर कोट करोड़ आए और वहीं मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। आप सुबह के वक्त जुम्मे के दिन 27 रमज़ान 566 हिजरी को कोट करोड़ में पैदा हुए। आपका नाम बहाउद्दीन है। आपकी कुनियत अबू मोहम्मद है। बाज़ ने आपकी कुनियत अबुल अल बरकात भी लिखी है। आप मादरजाद दिल्ली थे। बचपन से ही आप में आसारे बुजुर्गी नुमाया थे। आपके वालिद माजिद जब कुरान शरीफ पढ़ते और आप आवाज़ सुनते तो आप फौरन दूध पीना छोड़ देते थे और कुरान शरीफ सुनने में महव हो जाते थे। अभी आप मकतब ही में पढ़ते थे कि एक दिन आपने फरमाया कि जिस वक्त खुदावन ताला ने अलसद बरीकम फरमाया था, उस वक्त से लेकर अब तक के वाक़यात मुझे याद हैं। आपने वालदैन और दादा और नाना की निगरानी में परवरिश पाई। आप जब 12 साल के हुए, वालिद माजिद का साया आपके सर से उठ गया। आपकी तालीम और तरबियत पर आपके वालदैन ने काफ़ी तवज्जो दी। आपकी तालीम छोटी उम्र से शुरू हुई। आपने 7 साल की उम्र में 7 किरात के साथ कुरान हिफ्ज किया। वालिद माजिदा की वफ़ात के बाद आप खुरासान तशरीफ़ ले गए। वहाँ 7 साल दर्ज़ ज़ाहिर में मशगूल रहे। बाद आज़ा बुखारा आ गए और वहाँ इल्म की तकमील की। वहाँ आप बहाउद्दीन फरिश्ता के नाम से मशहूर हुए। मदीना पहुँचकर आपने शेख कमालुद्दीन मोहम्मद यमनी से, जिनका शुमार मुहद्दिसीन कबार में था, दरस हदीस लिया और इजाज़तनामा भी हासिल किया। आपने मदीना में 5 साल क़याम किया। आपने खुरासान, बुखारा, मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस में बहुत से दरवेशियों से मुलाकात की और इनसे बहुत से फयूज़ हासिल किए। बगदाद आकर आप हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी से बैत हुए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप 17 रोज़ तक हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे और बहुत नेमत इनसे पाई। ये देखकर हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह
के और मुरीदों को ये बात नागवार हुई। उन्होंने इन लोगों से कहा कि इनकी शिकायत बेजा है और इसकी वजह ये है, तुम मसल लकड़ी के तर हो और ज़िक्रिया मसल लकड़ी खुश के हैं, बस आग खुश लकड़ी को जल्द पकड़ती है। मुरीद होने के बाद आपको खिरक़े खिलाफत की आरज़ू हुई। एक रात आपने ख्वाब में देखा कि एक मकान नूर का है और उस मकान में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तशरीफ़ रखते हैं और आपके पीर व मुर्शिद हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी मौदब खड़े हैं। एक तनाब है और इस पर बहुत से खरके लटक रहे हैं। इस दरमियान में आपकी तलबी हुई। आपके पीर व मुर्शिद ने आपका हाथ पकड़कर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की खिदमत में पेश किया और कदम बोस कराया। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने एक खरका की तरफ इशारा किया और फरमाया, ए उमर, इस खरका को शेख बहाउद्दीन गौसुल आलम को पहना दो। आपके पीर व मुर्शिद ने हस्ब फरमान सरवर आलम इस खरका को तनाब से उतार कर आपको पहना दिया, फिर कदमों में गिराया और कदम बोस कराया। जब सुबह हुई तो आपके पीर व मुर्शिद ने आपको अपने पास बुलाया। आपने मकान इसी तरह का पाया जैसा कि ख्वाब में देखा था। आपके पीर व मुर्शिद हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी ने इस खरका को, जिसको सरवर आलम ने पहनाने का हुक्म दिया था, तनाव से उतार कर अपने हाथ से आपको पहनाया और फरमाया, बाबा बहाउद्दीन, ये सब खरके सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, मैं तो दरमियान में सिर्फ़ एक वास्ता हूँ। बेइजाज़त सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी को नहीं पहना सकता, जैसा तुमने मामला शब गुज़िश्ता में अपनी आँखों से मुआयना किया है। खिरका खिलाफत अता करने के बाद आपके पीर व मुर्शिद ने आपको मुल्तान जाने की ताकीद फरमाई। अपने पीर व मुर्शिद से रुखसत होकर आप मुल्तान रवाना हुए। राह में आपकी मुलाकात एक आलम फाजल कलंदर से हुई। उनका नाम सैयद अब्दुल कुद्दूस था। वो मौसल के रहने वाले थे। उन्होंने सैयद जमालुद्दीन मजरूह की कब्र पर जाकर कलंदरों का जामा पहन लिया था। आपने इनका कलंदराना जामा उतरवाया और आलम जस से इनको आलम सुलूक को पहुँचाया। निशापुर तक हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरीज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपके हमरा आए। निशापुर पहुंचकर आप इनसे अलग हो गए। आपने मुल्तान पहुंचकर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार फरमाई। मुल्तान के दरवेशों को आपका आना नागवार गुजरा। उन्होंने कोशिश की कि आप मुल्तान से चले जाएं। एक प्याला दूध से भरकर आपके पास भेजा। इससे मतलब ये था कि इस शहर में दूसरे की गुंजाइश नहीं है। आप इस किनाया का मतलब समझ गए। आपने एक फूल इस प्याले पर रख दिया और वो प्याला वापस कर दिया। आपने इस तरह से इस बात का इजहार किया कि इनकी जगह इस शहर में इस तरह होगी जैसे कि फूल दूध पर है। मुल्तान के दरवेशों को ताज्जुब हुआ। वो आपके मुअत्तकिद हुए। सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश ने नजमुद्दीन सुगरा को शेखुल इस्लामी के ओहदे से अलहदा कर दिया। नजमुद्दीन सुगरा ने हज़रत जलालुद्दीन तबरेज़ी पर एक तवाइफ से, जिसका नाम गौहर था, जना का इल्ज़ाम लगाया। तवाइफ ने बाद में बताया कि इल्ज़ाम गलत है और नजमुद्दीन सुगरा के 500 अशरफियाँ देने के लालच में उसने ऐसा किया। इस झूठ बहतान की सज़ा में नजमुद्दीन सुगरा को अपने ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा। नजमुद्दीन सुगरा के बजाय आप शेखुल इस्लाम मुकर्रर हुए। आपके 7 बेटे थे, जिनके नाम हज़रत शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख बुरहानुद्दीन, शेख ज़ियाउद्दीन, शेख अलाउद्दीन, शेख शहाबुद्दीन, शेख कुदवतुद्दीन और शेख शम्सुद्दीन थे। आप 7 सफ़र 666 हिजरी को बरोज़ जुमेरात जव्वार रहमत में दाखिल हुए। आपकी उम्र 100 साल की थी। आपके बेटे हज़रत शेख सदरुद्दीन आरिफ आपके खलीफा और सज्जादे नशीन थे। आपके मुक्तदिर उल्मा हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, हज़रत शेख हसन अफगान, हज़रत सैयद उस्मान मारूफ बलाल शहबाज सिंधी, हज़रत शेख फ़खरुद्दीन इब्राहिम इराकी, हज़रत सैयद सदरुद्दीन अहमद मारूफ ब सैयद हुसैन थे। आपके यहाँ ज़रात और तिजारत बड़े पैमाने पर होती थी। हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते थे। आपका लंगर आम था। आप बहुत मुखय्यर थे।
दुनिया से बेपरवाह थे, सादगी और कनात के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। बहुत कम खाते थे लेकिन कवी गज़ा खाते थे। उलमाए कराम, मशायख आज़ाम और मेहमानों की बहुत इज्जत और खातिर करते थे। शुरू ज़िंदगी में रोज़े बहुत रखते थे, आखिरी उम्र में रोज़ाना रोज़ाना रखते थे। हर शब एक कुरान ख़त्म करके तहमुल और बर्दबारी, ज़ौक़ और शौक़, बेहोशी और मदहोशी और इस्तग़राक आपकी नुमाया खुसूसियात थीं। आपको समा का शौक़ था, आप शायर भी थे। गौसल आज़म हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान में आपकी एक मशहूर मनक़बत है जिसके चंद अशार ये हैं। मौला हब्बे सुबहानी मुक़द्दस क़ुत्ब रुब्बानी अली सीरत हसन सानी मुहीद्दीन जिलानी मदद या शाह जिलानी बरी इफ्तदादा हैरानी तुम अलजाई व जनानी महीउद्दीन जिलानी चताबिद या सना ख्वानी अगर ख्वाहिद हमीदानी कुनी हर मुश्किल आसानी मुहीउद्दीन जिलानी मदद या शाह जिलानी नज़र या शाह समदानी करम या शेख रब्बानी मुहीउद्दीन जिलानी बकुन कारम गक बतवानी गरीब हमदर बिशानी जहाँ रा पीरो पीरानी मुहीउद्दीन जिलानी बदल अज सदक रूहानी चूमधा पीर पीरानी मेरा अज गम तू बुरहानी मुहीउद्दीन जिलानी सगे दरगाह जिलानी बहाउद्दीन मुल्तानी लकायदीन सुल्तानी मुहीउद्दीन जिलानी। आपने फरमाया माल दुनिया कितना ही क्यों ना हो ताहम कलील है और सांप की सोबत उस शख को नुकसान पहुंचाती है जो अफसों उसका ना जानता हो। मेरे नज़दीक माल दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, ये तो एक मैल मेरे रुखसार हाल की है। आपने फरमाया फ़कीरों के नज़दीक अदम और वजूद माल दुनिया का यकसा है, न जाने का गम न आने की खुशी। आपके चंद अक़वाल ये हैं। ज़हद तीन चीज़ें हैं जिसमें ये नहीं वो ज़ाहिद नहीं। अव्वल शनाख्त हक देना और दस्तबरदार होना उससे। दोम खिदमत मौला और निगाह रखना उसके आदाब का। सोम आरजूमंद रहना आखरत का और तलब करना उसका। सलामती जिसकी किल्लत ताम में है और सलामती रूह की तर्क अनाम में और सलामती दीन की सलात हज़रत खैलुल अनाम में है। हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी जब मुल्तान आए तो एक रोज़ गर्मी से तंग आकर बुखारा के मौसम को याद करने लगे। आपको ये बात कशफ़ से मालूम हो गई। आपने अपने एक खादिम को मस्जिद में भेजा और ये ताकीद फरमाई सफ़े लपेट कर मस्जिद के सहन में झाड़ू दें। इतने में बादल नमूदार हुआ, खूब बारिश हुई, ओले गिरे, मस्जिद से बाहर न बारिश हुई और ओले। ज़ोहर की नमाज के वक्त आप मस्जिद में आए और हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर बुखारी से मुस्करा कर फरमाया कहिए सैयद ओले मुल्तान के बेहतर हैं या बर्फ़ बुखारा का। उन्होंने अर्ज़ किया इस सूरत में तो ओले मुल्तान के 100 दर्जे बेहतर हैं। आपने उनको इसी रोज़ खरक़ खिलाफत से मुशर्रफ़ फरमाया। आपके एक और मुरीद ख्वाजा कमालुद्दीन मसूद शिराजी जवाहरात की तिजारत करते थे। एक बार इनका जहाज़ तूफ़ान में घिर गया। उन्होंने आपको याद किया और आपसे इमदाद चाही। आप जहाज़ पर नमोदार हुए, सब मुसाफिरों ने आपको बखूबी देखा। आपने सलामती की बशारत दी, जहाज़ बखीर व खूबी अदन पहुँचा। अदन पहुँच कर मुसाफिरों ने अपना तहाई माल ख्वाजा कमालुद्दीन को बतौर नजराना और शुक्राना दिया। ख्वाजा कमालुद्दीन ने वो सब माल और अपने नसफ जवाहरात अपने भांजा ख्वाजा फ़ख्रुद्दीन गिलानी को देकर उनको आपकी खिदमत में रवाना किया। ख्वाजा फ़ख्रुद्दीन वो माल और जवाहरात लेकर मुल्तान आए। उन्होंने जब आपको देखा फौरन पहचान लिया और इसी लिबास में पाया जिसमें उन्होंने आपको जहाज़ पर देखा था। वो माल और जवाहरात आपने 30 दिन के अंदर लोगों में तकसीम कर दिया। इस माल की कीमत 70 लाख तिंका थी। ख्वाजा फ़ख्रुद्दीन ने आपकी ये फयाजी देखी तो अपनी माल भी तकसीम कर दिए। फ़कीरी इख्तियार की, आपके मुरीद हुए, बाद आज़ा हज को गए और जद्दा में वफात पाई।